क्लास टेंथ के इंग्लिश का चैप्टर नंबर 3 टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग का फर्स्ट पार्ट हिज फर्स्ट फ्लाइट कंप्लीट हो चुका था। आज हम लोग इसका सेकंड पार्ट द ब्लैक एरोप्लेन देखेंगे, लाइन बाय लाइन हिंदी एक्सप्लेनेशन करेंगे। जो हमारी स्टोरी शुरू होती है यहाँ से, इसको पढ़ाने से पहले मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूँ कि ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग और एक जादू भरा कहानी है, जादुई कहानी एक तरीके से आप कह सकते हैं। कहानी को पढ़ाने से पहले मैं छोटा सा समरी आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि चैप्टर के इस पार्ट के नाम से ही क्लियर है, द ब्लैक एरोप्लेन, इसमें एक काला एरोप्लेन होता है। इसमें एक पायलट होता है जो अपने जहाज़ को उड़ाकर अपने घर जा रहा होता है, और रास्ते में ही उसका जहाज़ में तेल के दो टंकी होते हैं, जिसमें से उसका मेन टंकी जो ख़त्म हो चुका होता है और उसका सेकेंडरी जो टैंक होता है फ्यूल का, उसमें वो चल रहा होता है। उसमें बहुत कम टाइम होता है पहुंचने में, उसमें सिर्फ उतना फ्यूल होता है कि वो रनवे तक पहुंच जाएगा। फिर रास्ते में क्या होता है कि अचानक उसके सामने बहुत बड़े बड़े काले बादल, तूफानी बादल आ जाते हैं, और उसके पास ऊपर से या साइड से किनारे होकर निकल कर जाने तक का तेल नहीं बचा हुआ होता, इसलिए वो रिस्क लेता है उसमें घुसकर आगे बढ़ने का। और तभी उसकी जहाज़ सडनली उसके जहाज़ का हर एक कंपोनेंट काम करना बंद कर देता है, और एक ब्लैक एरोप्लेन उस तूफान में भी आकर उसका हेल्प करने लगता है। और उस ब्लैक एरोप्लेन में कोई लाइट भी नहीं जल रही होती है, वो आके उसका हेल्प करने लगता है और उसको रास्ता दिखाने लगता है, और जो पायलट है अपने प्लेन से उसका पीछा करते हुए रनवे तक उतर जाता है, और अचानक वो जहाज़ वहाँ से उड़ जाती है। पायलट जब नीचे उतरता है तो उतर के वो पूछता है जाके एक मैडम से कि वो कौन था जो मेरा हेल्प करने आया था। तो मैडम कहती है यहाँ पर कोई भी नहीं था, इस तूफ़ानी रात में सारे प्लेन्स को उड़ाने के लिए बंद कर दिया गया है और कोई वहाँ पे हो ही नहीं सकता। तो पायलट जो है कुछ सवाल रिजर्व करता है, जैसे सवाल ये थे कि वो उस तूफ़ानी रात में ब्लैक एरोप्लेन वाला कौन था, कैसे आया और अचानक गायब कहाँ हो गया मेरा हेल्प करके। इन सारे सवालों का जवाब अपने आप में मिथ बना हुआ है, इसी का हमको लाइन बाय लाइन स्टडी करना है, ध्यान से देखना है। चलिए आप सब लोग अपने बुक के साथ बैठेंगे ताकि इसको पढ़ने में आसानी हो और समझने में भी आसानी हो। लिखा है द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट, जो मून था वो कमिंग अप इन द ईस्ट यानी पूरब से निकल रहा था, बिहाइंड मी यानी मेरे पीछे। यानी अगर अब आप सोच सकते हैं जैसे कि ये मान के चलते हैं ये पायलट है, ये पायलट है, और पायलट के पीछे क्या हुआ है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, चंद्रमा निकला हुआ है, और ये जिस पीछे चंद्रमा निकला हुआ है उसका डायरेक्शन क्या है, ईस्ट। यानी पायलट का चेहरा है वेस्ट की तरफ, पश्चिम की तरफ, यानी पायलट पश्चिम की ओर जा रहा है, इससे ये मालूम चल, इसका डायरेक्शन ये मालूम चलता है। यहाँ से आगे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा आप लोग, बिहाइंड मी मेरे पीछे, यानी चंद्रमा उगा हुआ था मेरे पीछे ईस्ट में, एंड स्टार्स वेयर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबव मी, और उस साफ आसमान में तारे मेरे सामने चमक रहे थे, देर वॉज नॉट ए क्लाउड इन द स्काई, और पूरे आसमान में एक भी बादल नहीं थे। आई वॉज हैप्पी टू बी एलोन हाई अप एबव द स्लीपिंग कंट्री साइड, और मैं बहुत खुश था, एलोन मैं अकेले बहुत खुश था जो इस सोते हुए शहर के ऊपर से उड़ रहा था। आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड अगोडा एरोप्लेन ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड, साफ साफ इसमें लिखा हुआ है कि आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डकोटा, जहाज़ का नाम था डकोटा एरोप्लेन, मैं अपने पुराने डकोटा एरोप्लेन को उड़ा रहा था ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड, फ्रांस से उड़ा रहा था बैक टू इंग्लैंड, इंग्लैंड जाने के लिए। आगे चलते हैं, आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे, मैं अपने छुट्टियों का सपना देखने लगा, एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बींग विद माई फैमिली, और सपने में ये भी देखने लगा कि मैं अपने परिवार के साथ हूँ। वो एक जहाज़ उड़ाते टाइम ही एक सपना जैसा देखने लगे, इमेजिन कर सकते हैं आप लोग। आई लुक एट माई वॉच, मैंने अपने घड़ी को देखा, 1:30 इन द मॉर्निंग, जो सुबह के 1:30 बज चुके थे, 1:30 यानी रात के 1:30 बज चुके थे, समझ सकते हैं हम लोग। आगे चलते हैं, आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल रूम, और मैं पेरिस कंट्रोल रूम को कॉल किया। आई थॉट, मैं सोचा, एज आई लुक डाउन
पास द नोज ऑफ द एरोप्लेन। और ये मैं तब सोचा कि जब एज आई लुक डाउन, जब मैंने नीचे देखा, पास्ट द नोज ऑफ द एरोप्लेन यानी जहाज़ का जो नोज और नाक होती है उसके नीचे जब मैं देखा, तो आई सा द लाइट्स, तो मैंने लाइट को देखा, ऑफ ए बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी, एक बड़े से शहर में बहुत सारे लाइट्स को अपने सामने देखा। आगे आई स्विच ऑन रेडियो एंड सेट, मैंने रेडियो को चालू किया और कहा, पेरिस कंट्रोल रूम डकोटा DS 088 हियर, पेरिस कंट्रोल रूम, मैं डकोटा DS 088 बोल रहा हूँ, कैन यू हियर मी, क्या आप मुझे सुन सकते हैं, आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड, मैं इंग्लैंड के रास्ते में हूँ, ओवर, ऐसे बोलते हैं ना कि ओवर, ओवर एंड आउट इस तरीके से करके। आगे द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमिडिएटली, उस रेडियो से एक आवाज़ शीघ्रता से उसको आवाज़ उत्तर दी, जवाब दिया, DS 088 आई कैन हियर यू, मैं तुम्हें सुन सकता हूँ, यू ऑट टू टर्न 12 degrees वेस्ट नाउ, अब तुम्हें वेस्ट की ओर, पश्चिम की ओर 12 degree मुड़ जाना चाहिए, DS 088 ओवर, यानी DS 088 जहाज़ को उन्होंने 12 degree वेस्ट की ओर मुड़ने के लिए ऑर्डर दे दिया। आगे चलते हैं, पायलट क्या करता है, आई चेक द मैप, मैंने मैप को चेक किया, एंड द कंपास, और कंपास को चेक किया, स्विच्ड ओवर टू माई सेकेंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक, और मैंने अपने प्राइमरी फ्यूल टैंक से दूसरे फ्यूल टैंक में स्विच कर दिया, चालू कर दिया, क्योंकि पहला टैंक ख़त्म हो गया, एंड टर्नेट द डकोटा 12 degree वेस्ट टुवार्ड इंग्लैंड, और इंग्लैंड की ओर 12 degree अपने डकोटा को मोड़ दिया। आगे चलते हैं, आई विल बी बैक इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट, मैं नाश्ते के समय वहाँ पहुँच जाऊँगा, आई थॉट, मैं सोच रहा था रास्ते में, यानी पायलट रास्ते में ही सोच रहा था कि मैं नाश्ते के टाइम वहाँ तक पहुँच जाऊँगा। ए गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट, एक बड़े अंग्रेजी नाश्ते के समय मैं वहाँ पर पहुँच जाऊँगा। एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल, सब कुछ बहुत अच्छा होता जा रहा था। इट वॉज एन ईजी फ्लाइट, एक इतना आसान सा फ्लाइट था, सब कुछ बहुत अच्छे से चलता जा रहा था। पेरिस वॉज अबाउट 150 kilometers बिहाइंड मी, और पेरिस जो था लगभग 150 kilometers मेरे पीछे था। वेन आई सा द क्लाउड, जब मैंने बादलों को देखा, वही ख़तरनाक बादल। सबसे पहले आप लोग देख लीजिए सब्सक्राइब है कि नहीं, सब्सक्राइब अगर ना हो तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब लिखा होगा, उसी को छू देंगे तो वो तुरंत भूरा हो जाएगा, तो यानी सब्सक्राइब हो जाएगा। और आपके बाएं तरफ एक अंगूठे का निशान छपा होगा ऊपर, थम्स अप, उसको दबाएंगे तो लाइक हो जाएगा। शेयर आप अपने ग्रुप में कर दीजिए ताकि और भी बच्चे देखें इसको और वो भी पढ़ लें। आगे चलते हैं, और जब बादल को देखा तो बादल कैसे, स्टॉर्म क्लाउड्स, तूफानी बादल थे एकदम। दे वेयर ह्यूज, वे बहुत बड़े बड़े विशाल थे। दे लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेंस, वे ब्लैक माउंटेंस के जैसे दिख रहे थे। स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई, जो आसमान में मेरे सामने खड़े होते हुए एक ब्लैक माउंटेन की तरह दिखाई दे रहे थे। आगे लिखा, आई न्यू आई कुड नॉट फ्लाई अप, और मैं जान गया कि मैं अब और ज़्यादा ऊपर नहीं उड़ सकता, एंड ओवर इसके ऊपर नहीं उड़ सकता, ओवर देम, एंड आई डिड नॉट हैव एनफ फ्यूल, क्योंकि उसके पास पर्याप्त रूप से ईंधन नहीं था, उनके टंकी में तेल नहीं बचा हुआ था। टू फ्लाई अराउंड देम टू नॉर्थ और साउथ, और उनके पास इतना तेल नहीं बचा हुआ था कि उस तूफान के नॉर्थ यानी उत्तर और दक्षिण की ओर चारों तरफ गोल गोल चक्कर लगाएं जब तक वो तूफान वहाँ से निकल ना जाए। आगे आई ओट टू गो बैक टू पेरिस, मुझे पेरिस जाना था। आई थॉट, मैं सोचा कि मुझे पेरिस जाना ही है चाहे जैसे, बट आई वॉन्टेड टू गो गेट होम, लेकिन एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा आप लोग कि पायलट को लगा कि मुझे पेरिस वापस चले जाना चाहिए बैक, लेकिन आई थॉट, मुझे मैं सोचा कि मुझे आई वॉन्टेड टू गेट होम, मुझे घर वापस जाना है। आई वॉन्टेड दैट ब्रेकफास्ट, मुझे नाश्ता करना है अपने बीवी बच्चों के साथ। आगे लिखा, आई शैल टेक द रिस्क, मैं ये रिस्क लूँगा, यह खतरा उठाऊँगा। आई थॉट एंड फ्ल्यू दैट ओल्ड डकोटा स्ट्रेट इन टू द स्टॉर्म, और ओल्ड डकोटा को सीधे स्टॉर्म एंड तूफान में उड़ाना शुरू कर दिया। आगे चलते हैं, रोमांच यहाँ से शुरू होता है, ध्यान दीजिएगा आप लोग, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, एक बार देख लीजिए आप लोग। आगे लिखा है, इनसाइड द क्लाउड्स, बादलों के अंदर, एवरीथिंग वॉज सडनली ब्लैक, सब कुछ अचानक काला हो गया। इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग, कुछ भी देखना पॉसिबल नहीं था, सब कुछ इम्पॉसिबल लग रहा था। आउटसाइड द एरोप्लेन, जहाज के बाहर की तरफ सब कुछ एकदम ब्लैक हो गया था, किसी भी चीज़ को देखना पॉसिबल नहीं लग रहा था। द ओल्ड एरोप्लेन जंपड एंड ट्विस्टेड इन द एयर, वो जो ओल्ड एरोप्लेन था वो जंप करने लगा एंड ट्विस्टेड, और मुड़ने लगा इधर उधर इन द एयर, हवा में,
जंप करने लगा और इधर उधर ट्विस्ट होने लगा, मोड़ने लगा। आई लुक्ड एट द कंपस, मैंने कंपस को देखा। आई कुड नॉट बिलीव, और जैसे ही पायलट ने कंपस को देखा, पायलट को यकीन नहीं हो रहा था कि क्या हो रहा है, ये पायलट है उड़ा रहा है, और ये वो ब्लैक एरोप्लेन है जो हेल्प करने के लिए आया हुआ था पायलट का। माई आइज, जैसे ही पायलट ने कंपस को देखा तो पायलट को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। आगे, द कंपस वाज टर्निंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड, कंपस था जिसे जो दिशा सूचक था वो चारों तरफ नाच रहा था गोल गोल करके। इट वाज डेड, यह बिगड़ चुका था। आई वुड नॉट वर्क, इट वुड नॉट वर्क, और यह काम भी अच्छे से नहीं कर रहा था। द अदर इंस्ट्रूमेंट वेयर सडनली डेड, और जो अन्य यंत्र थे जहाज़ में जो होते हैं वो भी सब कुछ बिगड़ चुके थे। आई ट्राइड द रेडियो, और तब मैंने रेडियो पर प्रयास करना शुरू किया। पेरिस कंट्रोल रूम, रेडियो पर क्या बोलते हैं पायलट, पेरिस कंट्रोल रूम, पेरिस कंट्रोल रूम, कैन यू हियर मी, क्या आप मुझे सुन सकते हैं। देयर वाज नो आंसर, वहाँ से कोई जवाब नहीं आया। आगे क्या होता है, द रेडियो वाज डेड टू, रेडियो भी बिगड़ चुका था। आई हैड नो रेडियो, अब मेरे पास रेडियो भी नहीं है, नो कंपास, मेरे पास कंपास भी नहीं है, एंड आई कुड नॉट सी वेयर आई वाज, और मैं ये भी नहीं देख सकता कि मैं हूँ कहाँ। आई वर लॉस्ट इन द स्टॉर्म, मैं तूफान में खो चुका हूँ। देन इन द ब्लैक क्लाउड्स क्वाइट नियर मी, और जो काले बादल हैं बहुत घनिष्ठ यानी बहुत ज़्यादा नज़दीक मेरे नज़दीक हैं। आई सा अनदर प्लेन, और मैंने दूसरे प्लेन को देखा। इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग, और तभी क्या किया पायलट ने, दूसरे प्लेन को देखा। आई सा अनदर एरोप्लेन, उम्मीद की एक लहर उमड़ पड़ी होगी। आई हैड नो लाइट, इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग, और जब पायलट ने दूसरे एरोप्लेन को देखा तो उसके विंग्स पर कोई भी लाइट वगैरह नहीं थे। बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्टॉर्म, फिर पायलट क्या कर रहे हैं, लेकिन आई कुड सी, मैं उसे देख सकता था मेरे आगे उड़ते हुए, यानी तूफान के बीच, थ्रू मैंने बीच तूफान के बीच मेरे आगे उड़ते हुए मैं उसको जहाज़ को देख सकता था। आगे, आई कुड सी द पायलट, पायलट्स फेस, मैं पायलट के चेहरे को भी देख सकता था। टर्न इट टूवर्ड्स मी, जो मेरे तरफ मुड़ा। आई वॉज वेरी ग्लैड टू सी अनदर पर्सन, मैं दूसरे व्यक्ति को देखकर बहुत अत्यधिक प्रसन्न हो गया। ही लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव्ड, उसने एक हाथ को उठाया और वेव किया, ऐसे हिलाया लेफ्ट राइट करके। फॉलो मी, और बोला मेरा पीछा करो। ही वॉज स्टेइंग फॉलो मी, और उसने कहा कि मेरा पीछा करो। आगे क्या होता है, ही नोज दैट आई एम लॉस्ट, वह जानता था कि मैं खो चुका हूँ। आई थॉट, मुझे लगा कि वह जानता था कि वह मैं खो चुका हूँ। ही इज़ ट्राइंग टू हेल्प मी, और मुझे लगा कि मैं सोचने लगा कि वह मेरा हेल्प करना चाहता है। ही टर्नड हिज एरोप्लेन स्लोली टू द नॉर्थ, वह अपने एरोप्लेन को उत्तर की दिशा की ओर धीरे धीरे मोड़ने लगा। इन फ्रंट ऑफ माई डकोटा, मेरे पुराने डकोटा के ठीक सामने। सो दैट, ताकि इट वुड बी ईजियर फॉर मी टू फॉलो हिम, ताकि मेरे लिए बहुत आसान हो उसका पीछा करना, मेरे लिए बहुत आसान हो। I was very happy to go behind the strange aeroplane like an obedient child. मैं उस अनजाने जहाज़ के पीछे जाते समय बहुत खुश था। ठीक उसी तरह जैसे एक आज्ञाकारी बच्चा होता है, पीछे पीछे जाता है, उसी तरह मैं भी खुश था। आगे चलते हैं। After half an hour, आधे घंटे बाद, the strange black aeroplane was still there in front of me in the clouds. यानी आधे घंटे बाद भी वह जो अनजान ब्लैक एरोप्लेन था वो ठीक मेरे सामने बादलों में था। Now, अब there was only enough fuel in the old Dakota's last tank to fly for 5 or 10 minutes more. लिखा हुआ है, अब मेरे ओल्ड डकोटा जहाज़ में मात्र उतने ही पर्याप्त ईंधन बचे हुए हैं जितने भी मैं सिर्फ 10 या 5 मिनट और उड़ सकता हूँ। आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटेंड अगेन, और मैं फिर से डर महसूस करना शुरू कर दिया। बट देन, लेकिन तब ही स्टार्टेड टू गो डाउन, वो जो जहाज़ था जो आगे आगे पीछा करवाते हुए लेके जा रहा था ब्लैक एरोप्लेन, वो अचानक नीचे मुड़ने लगा। एंड आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म, और मैं तूफानों के बीच उसका पीछा किया। सडनली आई केम आउट ऑफ द क्लाउड्स, अचानक मैं उन बादलों से बाहर आ गया। एंड सा टू लॉन्ग स्ट्रेट लाइन्स, और मैंने देखा कि दो बड़ी बड़ी लंबी लाइनें जो हैं लाइट की इन फ्रंट ऑफ मी, मेरे
ठीक सामने है। इट वॉज ए रनवे, वह एक रनवे था, एन एयरपोर्ट, एयरपोर्ट का वह एक रनवे था। आई वॉज सेफ, आगे लिखा हुआ है अब मैं सुरक्षित था। आई टर्नड टू लुक फॉर माई फ्रेंड, अब मैं बिल्कुल सुरक्षित था, यानी पायलट जो है वो सुरक्षित लैंड कर गया एयरपोर्ट पर। आगे लिखा है आई टर्नड टू लुक फॉर माई फ्रेंड, मैं अपने मित्र को, उस मित्र को जिसने तूफान में मेरा सहायता किया था, उसको ढूंढने का प्रयास किया, उस ब्लैक एरोप्लेन को। बट द स्काई वॉज एम्प्टी, लेकिन पूरा अब आसमान हो गया पूरा खाली हो गया, पूरा स्टोन भी ख़त्म हो गया। अब देयर वॉज नथिंग देयर, वहाँ पर अब कोई नहीं था। द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन, वह काली जहाज जो थी वो जा चुकी थी। आई कुड नॉट सी एनीवेयर, मैं उसे कहीं भी नहीं देख पाया अब। आई लैंडेड एंड वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डकोटा नियर द कंट्रोल रूम, और जैसे ही वो लैंड किए वो तुरंत कंट्रोल रूम के पास अपने ओल्ड डकोटा से भागते हुए गए। आई वेंट एंड आस्केड, और वो गए और पूछे, आस्केड मीन्स पूछे, ए वोमेन, एक औरत से, इन द कंट्रोल सेंटर, कंट्रोल सेंटर की एक औरत से उन्होंने पूछा, वेयर आई वॉज, कि मैं कहाँ था, एंड हु द अदर पायलट वॉज, और जो दूसरा पायलट वहाँ पर मुझे बचाने गया था वो कौन था। आई वॉन्टेड टू से थैंक यू, मैं उसे धन्यवाद देना चाहता हूँ, मैं तुम्हें धन्यवाद देना चाहता हूँ। सी लुक्ड, अब वो औरत जो थी जिससे ये सवाल पूछे थे वो क्या करती है, सी लुक्ड एट मी, उसने मेरे तरफ स्ट्रेंजली बड़ी विचित्रता से देखा, एंड देन लाफ्ड, और तब हंसी, क्यों हंसी, अनदर एरोप्लेन, दूसरी जहाज, अब देयर इन दिस स्टॉर्म, इस तूफान में दूसरी जहाज, नो अदर एरोप्लेन वे आर फ्लाइंग टू नाइट, आज कोई भी जहाज नहीं उड़ी है, और तुम कह रहे हो कि दूसरी जहाज। आगे लिखा है योर्स वॉज द ओनली वन आई कुड सी ऑन द रडार, आप सिर्फ, यानी तुम सिर्फ अकेले ही हो जिसको मैंने रडार में देखा, और कोई वहाँ पर नहीं है, दूसरे को कैसे कह रहे हो। फिर क्या होता है आगे, अब यहाँ पे डिलेमा शुरू होता है। सो हु हेल्पड मी, अब पायलट सोच रहा है तो कौन मेरा हेल्प किया टू अराइव देयर सेफली विदाउट ए कंपस, यहाँ पर मुझे आने के लिए बिना कंपस के और ए रेडियो, बिना किसी रेडियो के, एंड विदाउट एनी मोर फ्यूल इन माई टैंक्स, और बिना किसी पर्याप्त ईंधन के यहाँ पर आने के लिए मेरा सहायता कौन कर रहा था, मेरा हेल्प कौन कर रहा था। आगे हु वॉज द पायलट ऑन द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन, उस अजनबी ब्लैक एरोप्लेन का पायलट कौन था, फ्लाइंग इन द स्टॉर्म, जो अपने ब्लैक एरोप्लेन को तूफान में उड़ा रहा था, विदाउट लाइट्स, बिना लाइट के अपने जहाज को, ब्लैक एरोप्लेन को आसमान में उड़ा रहा था, वो कौन था। इन्हीं सारे सवालों का जवाब डिलेमा बन के रह गया। पहला सवाल क्या था, पहला सवाल ये था कि अनदर एरोप्लेन, दूसरी एरोप्लेन कौन थी उस तूफान में, और वह व्यक्ति कौन था जो मुझे बिना कंपास, बिना रेडियो और बिना किसी फ्यूल टैंक, बिना पर्याप्त ईंधन के मेरे फ्यूल टैंक में मुझे यहाँ तक आने में मेरा हेल्प कौन किया, और उस ब्लैक एरोप्लेन का उस विचित्र पायलट कौन था, अजनबी पायलट कौन था जो बिना लाइट के अपने ब्लैक एरोप्लेन को तूफान में उड़ा रहा था। इन्हीं सारे सवालों का जवाब नहीं मिल पाया। यानी कहानी हमारी बहुत इंटरेस्टिंग थी, बहुत ही रोमांच से भरी हुई कहानी थी। शायद कहीं ना कहीं हमको बहुत अपने अंदर जिज्ञासा, उत्सुकता होगी कि इसके बारे में और जान सके, लेकिन कहानी हमारे फ़िलहाल हमारे सिलेबस में इतना ही दिया हुआ है। क्वेश्चन आंसर आपको PDF के माध्यम से एक नए वीडियो में मिल जाएगा, इसमें आपके लेसन एक से लेके टोटल बुक का, प्रोज, पोइट्री और सप्लीमेंट्री तक सारे बुक्स का आपको PDF मिल जाएगा, क्वेश्चन आंसर के साथ में, MCQ के साथ में, लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर, सारी चीज़ का PDF तैयार हो रहा है, एक टाइम के बाद आपको मिल जाएगा। यानी कहने का ये है कि कंप्लीट नोट होगा आपका, कंप्लीट नोटबुक होगा, उसको मिल जाने के बाद आप चाहे तो नोटबुक नहीं भी बनाएंगे तभी कोई बड़ी दिक्कत नहीं रहेगी, लेकिन आपको नोटबुक बनाना ज़रूर है, क्योंकि नोटबुक बनाएंगे तो उसको आप लिखेंगे अपने हाथ से, तो उसमें कुछ चीज़ें नई जो रहेंगी उसको आप सीख भी सकते हैं अपने साथ साथ। बाकी एक बार देख लीजिए आप लोग, हो सकता है सब्सक्राइब ना हो तो आप इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और शेयर। बाकी मिलते हैं कल इसी उम्मीद के साथ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।